भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। तो टेस्ट नंबर कौन सा है? 26। फिर से बोलिए। 26। अभी आवाज नहीं आई। 26। टेस्ट नंबर 36। Yes, तो ये कंबाइंड टेस्ट चल रहा है कि जो है ऐसे ही 50 प्रश्नों का है? जब से आप लोग पढ़ रहे हैं 200 प्रश्नों का ही टेस्ट हो रहा है कि ऐसे 10-20 क्वेश्चन दिए जाते हैं? पूरे 200 ना? Yes, sir. सफलता का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है हर संडे टेस्ट। क्या है भाई? आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आ गए और अगर आपका टेस्ट ही ना हो तो कैसे सफल होंगे आप? हर संडे आप लोगों ने देखा है लगातार जो टेस्ट हो रहा है उसका रिजल्ट बताया जा रहा है और आप लोग अपने आप को जांच परख रहे हैं कि हम किस लेवल में पहुंच रहे हैं, और पेपर वही पूछा जा रहा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना। और हमें नहीं लगता है वार्षिक पाठ्यक्रम इतना बेहतरीन तरीके से जैसे वार्षिक पाठ्यक्रम चल रहा। पहले यूट्यूब पर जो देख रहे हैं एक बार हम दिखा दें कि वार्षिक बैच कौन सा, एक बार दिखाइए कैमरा घुमा करके, सबसे पहले सबको दिखाइए क्योंकि हमें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जब ये सिलेक्ट होते हैं ना इन्हीं के चेहरे को देखा जाता है कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है जब प्रतिभा सम्मान कराए तो कोई और बच्चे हो। यहाँ पर सभी बच्चों के चेहरे दिखाइए पहले, क्योंकि हम लोग अब समापन की तरफ चल रहे हैं धीरे 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 हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और लगभग लगभग तैयारी बच्चों की चल रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टेस्ट नंबर 36 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला एग्जाम के एक दिन पहले तक जारी रहेगा। और हाँ, नीचे आपने देखा क्लासरूम चेंज हो गया। बिल्कुल हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल। और कल से आपका भी हो जाएगा 100%। कल से आप लोगों का भी क्लासरूम चेंज हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे ज्यादा। बोलो, तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे ज्यादा। सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर। सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर। अब एक बार सभी बच्चे टेस्ट पेपर को ऊपर दिखाएंगे। आप जितने बच्चे होते हैं उनको वास्तविकता दिखाई जाती है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार क्लास लेते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को अब अंतर पता चल चुका है। जी बिल्कुल सर। कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और अन्य संस्थान में क्या अंतर है, और इस बात की गारंटी है आने वाली जुलाई में क्रैश कोर्स में सबने बच्चों ने तो पहचाना ही है। बिल्कुल। और जो धोखे से कहीं इधर उधर भटक चुके हैं वो यहाँ से निकलते समय 2 मिनट का जो है रेस्ट लेते हैं और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ एक बार लोगों की तरफ देखते हैं, बिल्डिंग की तरफ देखते हैं और जो यहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनकी आवाज रोड तक पहुंचती है तो वो आवाज उनके दिमाग में गुजरने लगती है, क्योंकि वो यूट्यूब से ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, कानपुर में आकर के उनको गुमराह कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थी आपकी जगह को धारण करेंगे, यहाँ पर आकर के वार्षिक पाठ्यक्रम को ज्वाइन करेंगे और अगली बार जो है उनका भी सिलेक्शन होगा। इस बार इसलिए मुझे नहीं लगता है क्योंकि जो है जो काम तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में हो रहा, जो विद्यार्थी यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनका तो मान चलिए कि अगर लास्ट तक पढ़ते रहे तो उनका सिलेक्शन होना तय है। वार्षिक पाठ्यक्रम से तो कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। लगातार एग्जाम के एक दिन पहले तक आप आइए और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा 22 जून को कहा गया, हो सकता जून के लास्ट में आवे, तो जब भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट आप देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना, इस वीडियो को देख लेना और रिजल्ट को देख लेना, सबका सबकी रैंक आएगी। और पहली काउंसलिंग में पूरा प्रयास रहता है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के विद्यार्थी पहली काउंसलिंग में एडमिशन लें, और किसी को भी काउंसलिंग से संबंधित कोई भी डाउट हो अपने आप काउंसलिंग ना कराएं, जरूर एक बार पूछें। पांडे जी, और आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस बार तो क्रांति आ गई, क्योंकि पहली बार 20 में शायद मुझे याद है 35 टेस्ट हो पाए थे, फिर 38 हुए, फिर 39 हुए, अभी 36 का आंकड़ा पार कर चुके। इसका मतलब है 7200 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और अभी भी जिस तरह पेपर जून में है उस हिसाब से 7 टेस्ट अभी और हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 43 टेस्ट का हो जाएगा, 44 टेस्ट। मतलब बच्चों को कम से कम बच्चों 8400 या 8500 क्वेश्चन कंबाइंड टेस्ट के माध्यम से
आपको दे दिए जाएंगे। मतलब आंकड़ा 10,000 क्वेश्चन का लगभग कंबाइन टेस्ट के थ्रू जा रहा है। इसका मतलब है अगर टीचर्स के क्वेश्चन जोड़ लिए जाएं तो यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। इसी वजह से, यही कारण है, बेस्ट टीम, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट रिजल्ट, इसीलिए यहां होता है पूरे बैच का चयन। क्योंकि बच्चों एक बार तालियां हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कानपुर के अंदर एकमात्र तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी संस्थान है जिसने फुल लेंथ पेपर कंप्लीट 200 क्वेश्चन का, एक दो नहीं 36 क्वेश्चन, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी संख्या है। मैंने कभी इतनी बड़ी संख्या नहीं देख पाई। कोई संस्था 36 टेस्ट ले चुकी है, वो भी फुल लेंथ के, आधे अधूरे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कंप्लीट डिस्कशन होता है कि नहीं होता है? Yes, sir। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यही टेस्ट आज दोपहर में 1 बजे विधिवत एक एक क्वेश्चन का हम यूट्यूब पर लाइव डिस्कस करते हैं। बिना सोचे समझे हम लोग निर्णय लेते हैं कि यूट्यूब पर जो बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, तो यूट्यूब भी हमारा एक परिवार है, उन बच्चों का भी लाभ मिले। क्योंकि हमारे चैनल का अगर सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो मुझे लगता है वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको कम से कम ये भेंट दी जाए कि 36 नंबर टेस्ट आज दोपहर 1 बजे डिस्कस होने वाला है। और मैं एक बार कहूंगा सर, बैच नंबर जो 3 है जो शुरू होने जा रहा है, उसमें मैं अभी भी कहूंगा अगर कोई बच्चा भटक चुका है तो अभी भी पूरा समय है। क्योंकि मई भी है, जून का बच्चों 10 दिन है, और अप्रैल का तो भी पूरा बचा हुआ है, तो इतने में भी हम एक तरह से सारे क्वेश्चन तो हम दिखा ही सकते हैं आप लोगों को। तो अभी भी वक्त है कि इधर उधर अपना एक्सपेरिमेंट कतई मत कराइएगा, सिर्फ और सिर्फ संस्था में आइएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कहीं ना कहीं एयर कंडीशनर रूम आज शाम तक ये तैयार हो जाएगा, और हमारे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम के बच्चे भी मई जून में जो फीस दिए हैं एहसास करेंगे कि फीस का रिजल्ट क्या आता है। तो एक बार बच्चों को दिखा दिया जाए कि बच्चे बहुत ही अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। तो बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हैं, सभी लोग 1 बजे लाइव जरूर आएंगे। बिल्कुल 1 बजे सभी बच्चे लाइव आए, 1 बजे मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यूपी कैडेट का फॉर्म रात में 9 बजे भर करके दिखाएंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? 9 बजे।